लड़की इंप्रेशन पे बहुत बहुत खुश आमदी। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी, कचौरी और आलू की तरकारी। यकीनन सबको बहुत पसंद होगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इंग्रीडियंट्स बता देती हूँ और फिर बनाते हैं मिलकर। अच्छा जी व्यूवर्स, हमें आलू की तरकारी बनाने के लिए, पहले मैं आलू की तरकारी बनाऊँगी फिर मैं कचौरी बनाऊँगी। आलू की तरकारी बनाने के लिए हमें बॉयल्ड आलू चाहिए। इन्हें मैंने टाइम को सेव करते हुए पहले से बॉयल करके इन्हें मैश कर दिया था। हाथों से ही मोटा मोटा मैश कर देना है। 2 से 3 टेबलस्पून हमारा ऑयल जाएगा इसमें। थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें हैं, ये गार्निशिंग में यूज़ हो सकती हैं, बीच में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा अचार जाएगा इसमें। मसाले कुछ इस तरह से हैं कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और ये कलौंजी है, नाइजेला सीड्स भी इसको कहते हैं, ये कलौंजी जाएगी 1 टीस्पून भर के। चलो जी व्यूअर्स, ये देखें कितना मज़ेदार सा आलू का सालन, आलू की तरकारी। कचौरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कचौरी की डो तैयार करनी होगी, आटा गूंद के तैयार करना होगा उसका। उसके लिए मैंने ये लिया है 4 कप जो है मैंने मैदा लिया है, ये वाले मेजरिंग कप, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 5 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने घी लिया है। पानी मैंने अपने अंदाजे से लिया है, फिर मैं आपको बता दूंगी ये कितना यूज़ हुआ। तो मैं ये आटा गूंद लेती हूँ। चलिए जी व्यूअर्स, आटा हमारा कचौरियों का जो है वो रेडी हो चुका है। इसे मैं ढक के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, आधे घंटे के लिए, और तब तक हम अपना कचौरियों का दाल का बैटर तैयार करते हैं। चलिए जी व्यूअर्स, ये हम अपनी कचौरियों में फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मूंग की दाल है जो मैंने भिगो बॉयल की थी, तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉयल करके मैंने इसे पीस लिया था बगैर कुछ डाले, ये इस तरह से दरदरी सी पीस ली थी। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। ये भुना कुटा ज़ीरा है और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला है, ये तकरीबन सब मिला के 1 टेबल स्पून है। ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और ये धनिया और हरी मिर्च, ये तकरीबन आधी हरी मिर्च होगी और 1 टेबल स्पून के करीब धनिया होगा, इस सब को हम मिक्स कर।
चलो जी व्यूवर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कचौरी और आलू की तरकारी तैयार है। चलो जी व्यूवर्स, अब मैं ट्राई करती हूँ और देखूँ कैसी बनी और फिर आपको बताऊँ। वाह, क्या क्रिस्पी धुआंदार। मज़ेदार, चटपटी, क्रिस्पी। ये ज़रा क्लोज करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार की तरकारी तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आप भी बनाइएगा और खा के मुझे बताइएगा कि आपसे कैसी बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।